तो फाइनली वी कंसीव्ड, इतना प्रेशर हमारे पास आता तो फाइनली वी नहीं मतलब शी कंसीव्ड। ये रैपर सोच रहा भाई ये तो लग ही रहा था सरोगेट फादर, अरे नेचुरल है भाई आलू खा खा के। तो फाइनली शी कंसीव्ड एंड मेरी वाइफ वो है थोड़ी, वो गूगल से अभी लड़कियां नहीं होती यू नो, जो हर चीज गूगल से पूछती है, जैसे उनका बाप ठहरा है वो, हर चीज गूगल, गूगल हाउ टू ब्रीथ, गूगल कहता है ले तो रहती 3 साल से, मैं क्या कुछ अलग बताऊंगा। तो उसने गूगल पे टाइप करा पेन ड्यूरिंग डिलीवरी, गूगल से आवाज आ गई बहन फटके हाथ में आ जाएगी, 300 हटके टूटती बहन, इतना दर्द होता है, मत कर मत कर मत कर, छते फाड़ देगी बहन छते फाड़ देगी। कह रही है गूगल ने बोला बहुत दर्द होता है, सीजेरियन कराएंगे, एंड आई सपोर्ट इट बिकॉज़ आई चूज टेक्नोलॉजी ओवर पेन, क्यों लड़की को दे देना है जब टेक्नोलॉजी है तो। बट मेरी मम्मी को बात समझ नहीं आई उनका, क्योंकि नॉर्मल हुआ था, अरे ये कैसे बच्चे अभी ना दर्द लिया थोड़ा बहुत तो मिले ऐसे कैसे लंगारी भी तुम करो है सीधी रिंग भी तुम करो है क्या तुम अपनी मरवाने बैठी। माँ के अंदर चला गया और मेरी मम्मी है वो ट्रांसफॉर्मर टाइप की जो रिश्तेदार में सारी बातें अपनी सब सारी अपनी सहेली और अपनी रिश्तेदार को बता देती है, ट्रांसफॉर्मर मम्मी नहीं होती जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है बहुत आगे तक जाती है, फोन कर करके रोज दोपहर को 2 से 3 फोन लग रहे हैं सब में फैला दिया, अरे गौरव की बहू सीजेरियन करा रही है सुन रही है सुमित्रा, गौरव की बहू वो मेरे बाप की भी बहू है मेरी भी बहू है, तो सबकी बहू है क्या, सब उसके ससुर बैठे क्या, बैठ क्या, ये क्या टर्मिनोलॉजी है यार गौरव की बहू। फिर तो कह रहे हो बच्चा नहीं हो रहा, अंदर से मुझे बहू लग रही ना पागल हो कितने फैला दी मैं कि गौरव की बहू सीजेरियन प्लान कर रही है और मेरे घर में वो सारी जहरीली अंडियां आ गई जिनके पास ओपिनियन से भरा हुआ एक पिटारा होता है कि बेटा सीजेरियन ही नॉर्मल करा लो है ना, एक वो जहरीली अंडी जिसका नाम था सुमित्रा, सुमित्रा का मैं तुम्हें कैरेक्टर बता दूं, सुमित्रा भाई होती जिसके थोड़े से दांत बाहर नहीं होते जो कमेटी डालती है कमेटी वाले नहीं जिसके थोड़े से दांत भरते, तुमने देखा होगा कीर्तन में हमेशा दांत भार वाली आंटी हमेशा चम्मच और ढोलकी लेके दी जिसकी चाल थोड़ी सी ऐसी हो जाती है थोड़ी सी, तुमने देखा तिल्ली वाली कुल्फी बहुत खाने का शौक होता है, तिल्ली वाली कुल्फी लंबे दांतों से तिल्ली वाली कुल्फी खाती, तिल्ली वाली हम मरा यार रिश्ते वाली तिल्ली वाली कुल्फी शादी में ढूंढ रहे तिल्ली वाली कुल्फी, कुल्फी खाते का मैं चील दिया है गोलगप्पे वाला कह रहा आंटी आप ही फाड़ लो गोलगप्पा ला बेटा मैं फाड़ हां बच्चे अपने डिस्पोजेबल ग्लास फटवा रहे हैं ला ढाका रेती आंटी के वो ना रेती होंगे दांत तो क्यों फटवाना चिप्स का पैकेट हम आंटी नहीं फटवाते थे ला बेटा मैं तो वो आ गए भाई सुमित्रा, और सुमित्रा का एक और कैरेक्टर था जो जैसे वो हमारे घर में आती थी तो उनका ये कैरेक्टर था हा भाभी जी जो भी तुम्हारे घर में ऐसे है ना हा भाभी जी उसे कुचल डालो वो घर में कलेश करने आई है। वो आ गई घर में एंड शी वाज लाइक कि बेटा सुनने में कि दिन करा रहे तुम लोग, मैंने कहा मैं नहीं वाइफ कह रही बेटा मैं तुम्हें बताऊं आजकल की तो बच्चियों में जान ही नहीं है जान ही नहीं है ना, खुद तो आंटी फर्स्ट फ्लोर के लिए लिफ्ट पकड़ती हो तुम जान ही नहीं है, मैंने क्यों क्या हो गया, कह रही कुछ नहीं बेटा मजाक मत उड़ाओ हम बात की बच्चों में जान नहीं है, हमारी ताई जी थी नौ बच्चों के कभी अस्पताल की शक्ल नहीं देखी ताई जी ने, जब भी ताई जी का टाइम आता ताई जी क्या करती खिड़की की ग्रिल पकड़ लेती थी कुछ ही टाइम में बच्चा हाथ में, एक बार तो ताई जी नॉर्मली खड़ी हुई थी खिड़की ग्रिल पकड़ के लोगों ने कहा अरे बच्चा बच्चा, ताई जी कह रहे मैं तो ऐसी हवा खा रही थी हर समय तुमने बच्चा आया था भाग लो, कह रहे बेटा गाँव में जब किसी के बच्चे ने तो खिड़की ग्रिल पे मोली बांध के जाता था कि ताई जी का आशीर्वाद है इस पे, मैंने ताई जी से पूछे तो अस्पताल की जरूरत थी नौ बच्चे करवा दिए उनसे पागलों की तरह।
फिर एक होता बड़ा सांप और एक होता छोटा बिच्छू, तो ऐसे डस के निकल जाता है। उसके साथ आई थी सुषमा, सुमित्रा के साथ। वो कहती बेटा भाभी जी की बात का बुरा नहीं मानते, मैं तुम्हें बताऊं मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है कि नॉर्मल डिलीवरी बेटर होती है बेटा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से जो पेन उठता है ना बेटा, उससे होने वाले बच्चे के लिए ममता जाग जाती है माँ की। एंड आई वाज लाइक कि तुम्हारी बॉडी में से कोई चीज पेनफुली पास हो तो उसके लिए ममता जाग जाती है। इस हिसाब से कॉन्स्टिपेटेड आदमी को तो अपनी पॉटी से भी आ रहा है भाई, इसे सीने से लगा के रखूंगा भाई मैं, इसे सुखाऊंगा, छेद करूंगा, इसमें धागा डाल के लॉकेट पहन के घूमूंगा भाई। उसकी ममता जाग गई ना, उसमें चल रहा आंटी का पागलों की तरह।